सर, यकतरफा मोहब्बत पे यकीन रखते हैं? होती रहती है। सारा मोहल्ला नु यकतरफा मोहब्बत करदा है। साडे मोहल्ले दे कौंसलर दसदे रहे तुहानू। बताइए सर, इहदी इंतखाबी निशान मूली, किसे ने वोट नहीं पाया, जोड़ा आ रहा लून ला के जा रहे। जी, यकतरफा मोहब्बत पे यकीन रखते हैं? हाँ जी, लेकिन हुण मतलब थोड़ा जा नहीं ध्यान दे इन गलों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब जरा काम की तरफ ध्यान दे। सारा कोड इस्त्री करके तो रेत पान की लोड़ चमक रहा है। नहीं है, स्टार स्टार शाइन है ना सर। क्या बात, ये तो जी वो जो कहते हैं ये पहन लो वो पहन लेते हैं। सरदार साहब तो माशाल्लाह साढ़े वड्डे भरा ने सर, ये तो चंगे भले सलाब च भी नहीं डुबदे। नाकी एडा वड्डा सांग इतना कुछ निकल ही आ। अपना गए सरदार साहब डॉक्टर साहब, कहते मैं जो तो सुता उठना मैं दो नजर आते हैं, और डॉक्टर कहता तुम तीन जने अंदर की लैन आए हो। और जफरी वर्ग का लाड़ा ना डोली च बह के रो रहे होंगे, तू क्यों रो रहा यार? मैं फील कर रहा भी दुल्हन की फील कर दी। हकीम मरीज को दवाई दे कहते तू खा के वेख ला, मैंने तो कभी फर्क नहीं पाया। आपको एक तरफा मोहब्बत हुई? ककरे जाए शुक्र है तेरे च किसी ने सेल पाते। सिर्फ वोटी दुआई कहती है बरात आ गई है। आपको एक तरफा मोहब्बत हुई है किसी से? उसी से शादी की है। अरे हैं, फिर यकतरफा? यकतरफा की मतलब भाभी की मर्जी नहीं सी? पहले नहीं सी, बाद हो गई। मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात के लिए, चूंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे हमारी जो बहनें हैं या जो है, ये जितना भी हो ये बेचारी इजहार नहीं कर सकते, असी वध के हर गल करनी होंगी, तो वो बस जितनी सी भी हो लेकिन उसमें बंदा खुश हो जाता है। क्या बात, क्या बात। कितने साल हो गए सर इंडस्ट्री में काम करते हुए? 5-7 साल ही हुए। 5-7 साल ही। मैं सही काम करने की गल नहीं कर रहे। मैं क्यों लगता है मेरी शर्ट लवानी तो इतने चमोटे वजे होने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है? लाइबा। क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ। क्या करना चाहती हैं जिंदगी? मैं बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगी? सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने काफी ड्रामा सीरियल्स किए हैं, सब बहुत अच्छे थे, उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है जो करके आपको मजा आया हो? मुझे जिस ड्रामे का मजा नहीं आता मैं वो नहीं करता। अरे एक ड्रामा ऐसा था जो मैंने किया, उसके लिए मैं अपने तमाम चाहने वालों से माफी चाहता हूँ। बाकी जितने भी किरदार हैं वो मैं आपके वक्त का ख्याल रखते हुए करता हूँ कि आपने मेरे लिए अगर 24 घंटे में से 40 मिनट निकाल के मेरा काम देखना है तो आपका दिल ना टूटे, आपका वक्त जाया ना हो। क्या आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Assalamualaikum. क्या नाम है? आयशा मकबूल। क्या कहना चाहती हैं? सर मेरा आपसे क्वेश्चन है। जी कहिए। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपके सारे ड्रामास देखती हूँ। शुक्रिया। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि आप ड्रामास में एक्टिंग करते हैं तो आपको एक्टिंग करके मजा आता है कि शो पे हंस हंस आके मजा आ रहा है? देखिये, अदाकारी मेरा इश्क है और लोगों की मुस्कुराहट से मेरा रब इश्क करता है। सर सिंगिंग करना चाह रही हूँ मैं। हाँ करे। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जान मेरी, मैं तेनु समझावा की। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आयशा
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे क्या बात है, ये 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 सर, नाम आपका? आप देख रहे हैं मोहम्मद नसीम। क्या कहना चाहते हैं सर? सर जफरी खान साहब से सवाल है, थोड़ा सीरियस सवाल है, तो मैं जवाब चाहूंगा। सबसे पहले तो आई लव यू जफरी साहब। सर थोड़ा सा सीरियस सवाल कि आपने फिल्में भी की, स्टेज के आप बेताज बादशाह हैं, और आपने अपना जाती प्रोग्राम भी होस्ट किया जी। आज मुजाकरात में आके आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है जी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, और चूंकि ये शो एक हिट शो है तो मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी इज्जत दी है इन्होंने बुला के, और मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। क्या बात, क्या बात है भाई। अच्छा वो तो बात ठीक है, इसमें सीरियस बात क्या थी? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनकी तरफ से कोई जुगत आएगी, इस वजह से मैंने किया था। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुस्कुराता चेहरा, कैसे मिजाज है इमरान साहब आपके? मेरे मिजाज ठीक है माशाल्लाह। आप कैसे दिखाई दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल। आज पाकिस्तान का पूरा असासा हमारे इस शो में विराजमान है, और ये बड़े ऑनर की बात है और बड़ी खुशनसीबी है कि हम लाइव देख रहे हैं आप सबको। करते क्या सर? सर मैं आरजे हूँ। आपके अल्फाज का जो बहाव है उससे हम आशना हो गए। थैंक यू सो मच। सर मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। आपकी माशाल्लाह एक मेस्मराइज्ड पर्सनैलिटी है, और आपकी शख्सियत का जो तुम तराक और पिंदार है, उसके पीछे कौन सा ऐसा राज है कि हर शख्स आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाता है? वाह, ये तो बड़ा अच्छा सवाल किया वैसे। बहुत अच्छा सवाल है, और अगर आपको ऐसा लगता है, पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ के पैर। वाह वाह, और कुछ नहीं। सर मैं जफरी खान साहब के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगा। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, क्या बात, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना, ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे, जफर साहब आपके आने का, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो जो आपकी ख्वाहिश है इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर है तो भी मिले, नहीं तो मेरा रब उसको बेहतर बना के। आमीन। थैंक यू वेरी मच, तशरीफ रखें।